सो हाई स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से द हिंदू वोकैबुलरी जो आप सबको पता है कि हम एडिटोरियल पेज से करते हैं, कॉलम विथ से करते हैं. तो आज का जो एडिटोरियल है वो आपका कॉलम विथ का एडिटोरियल है, और हम लोग आज के एडिटोरियल में अगेन कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे एंड उस पर्टिकुलर वर्ड से क्या सेंटेंसेस फ्रेम था एडिटोरियल में, हम लोग वो सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे. आप सबको पता ही है मोस्टली कि हम इस सेशन में क्या करते हैं. तो देखते हैं आज का पहला वर्ड. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज प्रोफाइलैक्टिक. प्रोफाइलैक्टिक जो वर्ड है, हम उसको नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में. ओके, आप हम उसको नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीज़. हम ये जो वर्ड है हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी डिजीज़ के होने से बचा रही है. ठीक है, आप मेडिसिन कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर पर्टिकुलरली डिजीज़ के लिए यूज़ नहीं करा गया है. ठीक है, लेकिन वैसे जो ये वर्ड है ये बेसिकली यही डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ का इंटेंशन ऐसा हो कि वो आपको डिजीज़ से प्रिवेंट कर रही हो. राइट, नाउ विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. इट सेज पीपल कंटिन्यूड टू शाउट ऑर्डर्स वेल इन टू द 80s एंड 90s एंड अप टू टुडे. पीपल जो है वो बहुत चिल्लाते हैं कंटिन्यूसली. 80s में भी चिल्लाते थे, 90s में भी चिल्लाते हैं, और अभी भी चिल्लाते हैं, अप टू टुडे. एट द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो दे आर शाउटिंग. एंड एनी वन हु हैज सीन अ माचो कॉरपोरेट बॉस. माचो कॉरपोरेट बॉस मतलब ऐसा कॉरपोरेट का बॉस जो बहुत फेमस है, यू नो, जिसमें बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन उसके अंदर मैस्कुलिन जो होनी चाहिए क्वालिटीज वो हैं. तो ऐसा कोई कॉरपोरेट का बॉस जो बहुत ज़्यादा माचो नज़र आता हो. और एडवर्टाइजिंग फर्म टायरेंट. टायरेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? टायरेंट इज अ क्रूअल ऑप्रेसिव रूलर. ठीक है, तो ऐसा कोई एडवर्टाइजिंग फर्म का कोई टायरेंट हो. डू देयर माइकल डॉगलास इम्प्रेशन. माइकल डॉगलास क्या है? माइकल डॉगलास इज बेसिकली अमेरिकन एक्टर एंड प्रोड्यूसर हु इज वेरी फेमस. राइट, तो वो बता रहे हैं कि जो उनका अपीयरेंस है एडवर्टाइजिंग फॉर्म टैलेंट का या फिर कॉरपोरेट बॉस का, उनका जो इम्प्रेशन है वो माइकल डॉगलास की तरह हो. नोज दैट अ फैंसी बिजनेस स्कूल इन अमेरिका और यूरोप प्रोवाइड्स नो प्रोफाइलैक्टिक अगेंस्ट द बोलोइंग सर्जेंट मेजर मेथड. ठीक है, उनका जो इम्प्रेशन है वो ये डिफाइन, वो जानता है कि किसी भी फैंसी बिजनेस स्कूल में जो अमेरिका या यूरोप में है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, वो आपको प्रिवेंट कर रही है अगेंस्ट द ब्लोइंग सर्जेंट मेजर मेथड. बच्चे सर्जेंट मेजर जो है ना, ये आपका बहुत ऊपर का पोस्ट है आर्मी में. ठीक है, और ऊपर का पोस्ट जो आर्मी में होता है वो अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहा होता है. राइट, तो वो जूनियर की बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रही होती है, तो वहाँ पर वो लोग बहुत बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं. ठीक है, तो वो कह रहा है कि उन चीज़ों से जो ब्लोइंग सर्जेंट मेजर का मेथड होता है अपने बूट कैंप को ट्रेन करने के लिए, वो उससे आपको प्रिवेंट कर रहे हैं. दैट इन फैक्ट मैनेजमेंट बूट कैंप. बूट कैंप इज बेसिकली अ मिलिट्री ट्रेनिंग विद हार्श डिसिप्लिन इन द US माइट इवन इनकरेज फ्रीक्वेंट एक्सप्लोजन. अगर जो मैनेजमेंट जो हम लोग बूट कैम्प के साथ जो हम लोग मैनेजमेंट होता है जो उनके साथ बिहेवियर होता है बहुत हार्श डिसिप्लिन के साथ उनको जो करना पड़ता है, अगर हम उसको एट द प्रेजेंट टाइम अगर हम उसको फॉलो करें तो बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लोजन्स होंगे इन द सेंस कि बहुत जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ बढ़ेंगी. ठीक है, दैट इज द मीनिंग फॉर द सेंटेंस हियर. नाउ विल टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज इनहिबिटरी. व्हाट डू यू मीन बाय इनहिबिटरी? इनहिबिटरी का मतलब होता है किसी भी एक्शन को होने से रोकना, किसी भी काम को होने से रोकना, दैट इज इनहिबिटरी. एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज फैसिलिटेटिंग. फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम आप करने के लिए और ईजी बना दिए, तो हम उसको एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड. ओके, सो आई होप बच्चे ये वर्ड सबको क्लियर है.
Then we'll see the next word. So the next word is psychopathy. What do you mean by psychopathy? Psychopathy jo word hai, there is... Yes, Shaira, Norman Lewis ki class is over ho chuki hai. Theek hai? Archana is saying... There is no prophylactic steps to end polio in our country. जो आपका sentence framed है वो sentence correct है but Shaira is also correct. Polio अब हमारी country से ख़त्म हो चुका है ठीक है. Now, psychopathy जो दूसरा word है that is psychopathy. Psychopathy जो word है हम उसको noun के sense में consider करते हैं किसी भी sentence में जिसका मतलब होता है mental illness or disorder. मतलब कि कोई mentally weak है वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा उसको हम साइकोपैथी कहते हैं ठीक है. नाउ विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. इट सेज वन फ्रेंड हु वाज अदरवाइज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी कंट्रोल साइकोपैथी एंड वाज एन इनविटरेट रूल ब्रेकर ऑन द क्वाइट वाज आल्सो मेड अ मॉनिटर. ऐसा फ्रेंड जो बिल्कुल ही डिवॉइड था कंट्रोल साइकोपैथी से मतलब जो आपका मेंटल इलनेस है डिसऑर्डर है जो मतलब गलत चीज़ें हैं गलत चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. जो कंट्रोल साइकोपैथी होता है मतलब जहाँ पर मेंटल इलनेस जो है मेंटल डिसऑर्डर जो है वो कंट्रोल्ड वे में है वो उससे डिवॉइड था ठीक है. वो उसके पास नहीं था. Okay, that is the meaning for this sentence here. Okay, now was an inveterate rule breaker on the quiet. Inveterate मतलब कि ऐसी कोई habit जो बहुत पुराने time से चलती आ रही है ठीक है. जो बहुत पुराने time से चलती आ रही है हम उसको change नहीं कर सकते. तो वो rule breaker भी था और inveterate rule breaker था जो rule break करता था लेकिन शांति से किसी को पता चले बिना ठीक है. और हम लोग उसको भी मॉनिटर बना देते हैं ठीक है. वो भी मॉनिटर बन जाता था. दैट इज द मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस हियर. नाउ विल टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज एबरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एबरेशन? एबरेशन आल्सो मीन्स डिसऑर्डर ओके. एंड एंटोनिम फॉर द वर्ड इज व्हेन योर माइंड इज कंप्लीटली काम एंड सूदिंग. दैट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड. या अर्चना वही मैं कह रही थी कि आपका जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है अगर हम उस सेंस में बात करें तो सेंटेंस बिल्कुल सही था ठीक है. ओके नाउ विल सी द नेक्स्ट वर्ड. ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज रैनकोर. रैनकोर जो वर्ड है हम उसको नाउन के सेंस में यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में जिसका मतलब होता है बिटरनेस और रिजेंटफुलनेस स्पेशली व्हेन लॉन्ग स्टैंडिंग. मतलब कि कोई चीज़ जो बहुत पुराने जो बहुत लंबे टाइम से दोनों के बीच में है और उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अगर दो लोगों के बीच में बिटर फीलिंग है या रिजेंटफुलनेस है तो हम उसको रैनकोर कहते हैं. ओके बैड फीलिंग या हॉस्टिलिटी अनफ्रेंडलीनेस है तो राइट. नाउ विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. इट सेज दिस गाय हु आई न्यू रियली वेल डेवलप्ड अ टेक्निक दैट आई हैड टू एडमायर. ही वुड कॉल आउट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स इन अ कैरिंग वॉइस that expected to be obeyed but there was no anger or rancor in it. मतलब वो कह रहा है कि दिस गाय वो इंसान जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ वो उसने एक टेक्निक डेवलप करी है जो मैं भी एडमायर करता हूँ जो मुझे भी पसंद है. वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को किसी भी ऑर्डर को जो वो करवाना चाहता था वो अपने कैरिंग वॉइस से वो अपने इन्फ्लुएंसिंग वॉइस से वो करवा लेता था ठीक है. वो बोलता था एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड कि वो हो जाएगा टू बी ओबेड. बट जो उसका मनवाने का तरीका था या जो उसका इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने का तरीका था उसमें कहीं पर भी एंगर नहीं था या फिर कोई भी बिटर साउंड या कुछ भी बिटर फीलिंग नहीं थी. वो बड़े आराम से कुछ भी कहकर अपना काम करवा लेता था. ओके दैट इज द मीनिंग फॉर द सेंटेंस. ओके नाउ विल टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी का मतलब हम सब जानते हैं दैट इज अगेन रिलेटेड टू अनफ्रेंडलीनेस. ओके एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज फ्रेंडलीनेस. मतलब जहाँ पर चीज़ें बहुत सूदिंग है फ्रेंडली बिहेवियर है सब कुछ अच्छा है हम वहाँ पर हम उसको एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड. ओके नाउ विल सी द नेक्स्ट वर्ड.
अच्छा ना, कीप ऑन फ्रेमिंग सेंटेंस बच्चे, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. उससे आपको खुद को वो जो वर्ड है ना वो क्लियरली समझ में आ जाता है. ओके ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज सबाल्टर्न. सबाल्टर्न जो वर्ड है हम उसको नाउन के सेंस में कंसिडर करते हैं, जिसका मतलब होता है समवन विथ अ लो रैंकिंग इन सोशल, पॉलिटिकल और अदर हायरार्की, और समवन हु हैज़ बीन ऑप्रेस्ड. ठीक है, यहाँ पर जो हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बात करेंगे वहाँ पर हम उसको इस मीनिंग में कंसिडर करेंगे, ऐसा कोई इंसान जिसको दबाया जा रहा हो. ठीक है, हम उसको इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक इंसान है, ये लो रैंक का इंसान है, दैट इज़ वाई जब ये इधर से जा रहा है तो वो उसको सलाम कर रहा है, राइट. सो बेसिकली ऐसा कोई इंसान जो बहुत लो रैंक का हो या फिर उसको दबाया जा रहा हो, तो हम उसको सबाल्टर्न कहते हैं. नाउ वी विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. शाउटिंग डाउन एट सबाल्टर्न्स कंटिन्यूज इन आर सोसाइटी. मतलब जो लो रैंक पे हैं, आपसे जूनियर है, उनके ऊपर चिल्लाना ये सोसाइटी में चलती ही जा रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही. एंड इट कट अक्रॉस क्लास एंड एथनिसिटी. ठीक है, और इसने क्या करा, इसकी वजह से जो क्लास और एथनिसिटी है वो कट हो रही है. व्हाट डू यू मीन बाय एथनिसिटी? एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? एथनिसिटी का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो बिलोंग कर रहा है ऐसा सोशल ग्रुप से जिन दो ग्रुप का कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो सेम हो. ठीक है, तो ये होने की वजह से उनका जो क्लास और एथनिसिटी जो है वो आपस में ख़त्म हो रही है, टूट रही है. ठीक है, इफ़ द फोरमैन ऑफ अ वर्किंग गैंग स्टार्ट शाउटिंग. फोरमैन मतलब द सीनियर वन. ठीक है, सीनियर वन तो जो सबसे ऊपर हाई पोजीशन पे है वो जो भी वर्किंग गैंग का, वो हमेशा स्टार्ट शाउटिंग, वो चिल्लाना शुरू कर देगा. इट मीन्स दैट ही इज़ गेटिंग वरिड अबाउट हिज पोजीशन और हिज एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द जॉब. वो तभी चिल्लाते हैं जब वो परेशान होते हैं अपने पोजीशन के लिए या फिर अपने जॉब को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एबिलिटीज को नहीं दिखा पा रहे, तब दैट इज वाई दे आर गेटिंग वरिड एंड दैट इज वाई दे आर शाउटिंग. इफ अ वेल्दी प्रिविलेज्ड पर्सन हैज अ स्क्रीमिंग फिट एट पीपल हु आर बिलो देम, इट शोज द डबल लैक ऑफ रिस्पेक्ट मेंशनड अबव. अगर कोई इंसान जो वेल्दी है या फिर प्रिविलेज पर्सन है सोसाइटी का, अगर वो स्क्रीम करता है, अगर वो चिल्लाता है ऐसे लोगों पे जो उसके नीचे हैं, तो ये बहुत, अगर मान लो वो चिल्लाता है ऐसे लोगों पे जो उसके नीचे हैं, तो वो लोग अगर उसको पलट कर जवाब दे देंगे तो दैट इज़ द लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन विच इज़ मैंशनड अबव. तो बेसिकली यहाँ पर यही डिफाइन करने की कोशिश करी जा रही है कि आपसे जो भी जूनियर हैं या लो रैंक के इंसान हैं, आप उसके साथ भी एक रेस्पेक्ट और फ्रेंडली फीलिंग रख सकते हैं, हर किसी के साथ नफरत करने की ज़रूरत नहीं होती. ओके, बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल सही बात है. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ऑब्वियसली इन्फीरियर पीपल के सेंस में हम यहाँ पर इन्फीरियर वर्ड को कंसिडर किया है, द असिस्टेंट, जो ऑब्वियसली अगर आप किसी बॉस के असिस्टेंट ही होंगे, राइट. सो ऑल दीज आर दी क्लासेज ऑफ द वर्क, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज सुपीरियर. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वर्ड. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज tumultuous. tumultuous जो वर्ड है हम उसको एडजेक्टिव के सेंस में कंसिडर करते हैं, जिसका मतलब होता है एक्साइटेड, कन्फ्यूज और डिसऑर्डरली. जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, डिसऑर्डर है, chaotic है, हम उसको tumultuous कहते हैं. ओके, नाउ विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. इट सेज इवन द ऑगस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ऑगस्ट मीन्स वॉट? इट इज़ नॉट, दिस ऑगस्ट इज नॉट अबाउट, this August is not about what the month it is, this August is about respected and impressive member, respected
members, ठीक है, respected and impressive. तो it says कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो रेस्पेक्टेड मेंबर हैं विच मेट लास्ट वीक अंडर न्यू गवर्नर शक्तिकांता दास. आप सबको पता है कि अभी आपके RBI के गवर्नर चेंज हो गए हैं. अगर नहीं पता है तो प्लीज नोट इट डाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अभी RBI के गवर्नर चेंज हो गए हैं एंड ही इज शक्तिकांता दास. तो जो अभी जो RBI की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी लास्ट वीक उनके न्यू गवर्नर के साथ, ऑब्वियसली आफ्टर द सडन एंड ट्यूमल्टस एग्जिट ऑफ उर्जित पटेल, मतलब उर्जित पटेल का सडन और मतलब कन्फ्यूजन है कि वो क्यों चले गए, वो उन्होंने क्यों गवर्नरशिप छोड़ी. बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत ही डिसऑर्डर है वहाँ पर, ठीक है. लेकिन प्रेजेंटली शक्तिकांता दास इज द इज़ दी यू नो गवर्नर ऑफ RBI. तो उनके साथ जो लास्ट वीक मीटिंग हुई है, रिपोर्टेडली फेल्ट दैट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एट इंडिया सेंट्रल बैंक विच ऑल्सो डबल्स अप एज द बैंकिंग रेगुलेटर नीडेड सम इम्प्रूवमेंट. येस येस अर्चना, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट कि जो गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है, जो गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है एट प्रेजेंट हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक में, मतलब RBI में, विच ऑल्सो डबल्स अप एज द बैंकिंग रेगुलेटर, और उनका जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है वो और बढ़ जाता है, उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है क्योंकि वो बैंकिंग रेगुलेटर भी है. वहाँ पर उन लोगों को अभी कुछ उनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड में अभी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये उन लोगों ने कंक्लूड किया है इस मीटिंग में. Okay, that is the meaning for the sentence here. Now we'll talk about synonyms and antonyms. So the synonym for the word is boisterous. What do you mean by boisterous? Boisterous simply means confused and excited. Okay, and the antonym for the word is mild and peaceful. जहाँ पे चीजें mild है या शांति है वहाँ पर हम उसको antonym consider कर सकते हैं for the word. Okay. Yeah, that is correct. Okay. Now we'll see the next word. Okay, so the next word is empirical. Empirical जो word है हम उसको adjective के sense में consider करते हैं किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है based on observation or experience rather than theory or pure logic. मतलब कोई भी चीज़ का theory या फिर उसके logic पे ना rely करते हुए आप अपने खुद के observation से या experience से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम उसको empirical कहते हैं. Okay. Now we'll see the usage of this word in a sentence. It says, in the years that have passed, there have been several empirical studies which have demonstrated that over time such a listing has served to bind a company to better corporate governance behavior. It says, ki jaise jaise year beat raha hai, वैसे वैसे देयर हैव बीन अ सेवरल एम्पेरिकल स्टडीज, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी स्टडीज जो है करी गई है जो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है टाइम के साथ कि सच अ लिस्टिंग हैज सर्व्ड अ बाइंड हैज सर्व्ड टू बाइंड अ कंपनी टू बेटर गवर्नेंस टू अ बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस बिहेवियर. जो लिस्ट है उसने ऐसा सर्व किया है, उसने ऐसा बताया है कि जो कंपनी है उसको बाइंड करके उसको एक साथ रखना पड़ेगा उसके बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस बिहेवियर के लिए. हैज़ अट्रैक्टेड शेयर होल्डर्स, अब वो बाइंड करके रहेंगे तो वहाँ पर जो भी आपका बिहेवियर होगा वो बेटर होगा, वहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो बेटर आएगा, ठीक है. और वो बेटर रिजल्ट की वजह से जो उसके शेयर होल्डर हैं वो वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद वो क्या होगा, विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर बेटर डिस्क्लोजर, और उसका उस कंपनी के बेटर आउटपुट के लिए वो लोग वहाँ पर फिर प्रीमियम पे करने का सोचेंगे, उनके मन में आएगा, दे विल डू दैट विलिंगली. ओके, एंड ओवर टाइम reduced cost of raising capital for participating company, और फिर time के साथ जो company है जो अपना capital raise करना चाह रही है या जो और growth के लिए उनका जो cost है वो reduce हो जाएगा क्योंकि उनको इधर से भी profit आने लगेगी. Okay, so that is the meaning for the sentence here. Now we'll talk about synonyms and antonyms. So the synonym for the word is factual. Obviously जो चीज़ fact पे based है that is the synonym for the word, and the antonym for the word is conjectural. What do you mean by conjectural? Conjectural का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो information पे based है हम उसके बारे में sure नहीं है,
ठीक है, डैट इज कॉन्जेक्चुरल और हम उसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर द एंटोनिम फॉर द वर्ड. कुकिंग इज एम्पिरिकल फॉर मदर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट सेंटेंस. ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस, सो द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूलिंग. म्यूलिंग जो वर्ड है हम उसको वर्ब के सेंस में कंसिडर करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है थिंक अबाउट समथिंग डीपली एंड एट लेंथ. किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से सोचना और बहुत मतलब एक लिमिट तक सोचना, दैट इज म्यूलिंग. ठीक है, नाउ विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. द एनएससी इज रिपोर्टेडली म्यूलिंग अ प्रीमियम बोर्ड टू ट्राई. एनएससी इज व्हाट? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ही इज थिंकिंग वेरी डीपली about a premium board to try and attract better governed entities to try and list on it. वो better governed entities को कैसे attract करेंगी अपने तरफ premium, वो उसके बारे में कई सारी चीज़ें ऐसा है जो सोच रही हैं, जो करने की कोशिश कर रही हैं और वो उसका list भी बना रही है. ठीक है, this is long overdue. ये बहुत लंबे time से सोचा जा रहा है, बहुत लंबे time से चलता आ रहा है और इसमें बहुत सारे जो major global exchanges जो हैं इन्वॉल्व्ड भी है और वो भी उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बेसिकली हेल्प कर रहे हैं. राइट, सो दैट इज द मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस हियर. नाउ विल टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज पोंडर. व्हाट डू यू मीन बाय पोंडर? पोंडर का भी मतलब वही होता है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत केयरफुली सोचना. ओके, सो दैट इज वाई हम उसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर द सिनोनिम. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टम्पलेट. कॉन्टम्पलेट ऑल्सो मीन्स थिंक डीपली. ओके, सो दैट इज वाई हम कॉन्टम्पलेट को भी इसका सिनोनिम कंसिडर कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज फॉरगेट एंड इग्नोर. कोई चीज़ जो आप भूल जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेस इम्पॉर्टेंस, दैट इज योर एंटोनिम. और हम उसको म्यूलिंग का एंटोनिम बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं. राइट, सो आई होप बच्चे ये वर्ड भी क्लियर है सबको. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्नोकोपिया. कॉर्नोकोपिया जो वर्ड है हम उसको नाउन के सेंस में कंसिडर करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट और सप्लाई ऑफ एनीथिंग. मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई जो हो रहा है उसको हम कॉर्नोकोपिया कहते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. हम इससे अपना जो भी हम रिटन स्किल है हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ये वर्ड जो है वो आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, सो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो समथिंग ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट में आपके पास है हम उसको कॉर्नोकोपिया कहते हैं. ओके, नाउ विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. इट सेज दीज डिजिटल ऑब्लिक्स कंटिन्यूअसली स्ट्रीम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क, विंटेज फोटोग्राफ्स, weather warnings and an unending cornucopia of quiz and facts. Now these digital obelisks means what? Obelisk jo word hai, that is that means an important event. तो ये जितने भी डिजिटल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब डिजिटली इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ में, वो कंटिन्यूसली हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है सिटी के बारे में, कल्चरल हिस्ट्री प्रोवाइड कर रही है. ओब्वियसली न्यूयॉर्क का बेसिकली वहाँ पर उससे रिलेट किया गया था, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क वर्ड यूज़ है. Yeah, you can relate this with corn and you can learn that word, no problem. Okay, तो वो वहाँ पर एक कल्चरल हिस्ट्री भी आपको प्रोवाइड कर रही है वेरियस कंट्री की, विंटेज फोटोग्राफ्स पुराने फोटोग्राफ्स भी आपको प्रोवाइड कर रही है, वेदर वार्निंग्स भी आपको प्रोवाइड कर रही है, एंड देन अनएंडिंग कॉर्नोकोपिया मतलब अनगिनत, जिसका कोई अंत नहीं है, इतने ढेर सारे लार्ज अमाउंट में आपको क्विज एंड फैक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है. ठीक है,
Now we'll talk about synonyms and antonyms. So the synonym for the word is repository. Repository simply means something which is very adequate in amount. ठीक है? तो हम उसको synonym consider कर सकते हैं for the word. And the antonym for the word is inadequacy and paucity. दोनों की meaning same होती है. कोई चीज़ जो adequate नहीं है, sufficient नहीं है, sufficient quantity में नहीं है, हम उसको antonym consider कर सकते हैं for the word. Okay? Now we'll see the next word. Okay. So the next word is archipelago. Archipelago जो word है हम उसको noun के sense में use करते हैं किसी भी sentence में. बच्चे basically ये जो word है ना, ये word ऐसे जगह के लिए use किया जाता है जहाँ पर land है, वो land जो है वो basically water से surrounded हो. ठीक है, तो हम वैसे एरिया के लिए हम आर्किपेलागो वर्ड यूज़ करते हैं. बट अगर हम डिफरेंट सेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो हम ऐसा कोई ऐसे सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ सिमिलर थिंग, मतलब एक तरह की चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंटली स्कैटर्ड है, वहीं पर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है और वो चीज़ों से कवर्ड है. जैसे यहाँ पर देखो, ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया, ये लैंड एरिया, ये लैंड एरिया, अब ये पूरा वाटर से सराउंडेड है. ठीक है, तो हम इसको बेसिकली आर्किपेलागो कहते हैं. तो अब एक जैसी चीज़ जो स्कैटर्ड है, हम उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. Now we'll see the usage of this word in a sentence. It says, with these screens on every second or third intersection, the multiplicities of sound and sight, triffles and terrors of the real world were replaced by an archipelago of lonely bite-sized facts. It simply says कि जो स्क्रीन वहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करी जा रही है उसके हर सेकेंड और थर्ड इंटरसेक्शन पे साउंड और साइट, आवाज़ की और आपके देखने के तरीके के जो मल्टीप्लिसिटीज़ वहाँ पे जो इंक्रीज हो रही है चीज़ें, वहाँ पर जो एडवांसमेंट हो रही है उसको डिफाइन करा जा रहा है. ट्रिफल्स एंड टेरर्स. ट्रिफल्स मतलब ट्रिफल्स इज बेसिकली अ थिंग विच इज़ ऑफ लिटिल वैल्यू. टेरर मतलब डर. ये चीज़ें भी वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है. ऑफ द रियल वर्ल्ड, जो आपका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब रिप्लेस हो जाएगा बाय एन आर्किपेलागो ऑफ लोनली बाइट साइज फेट. बाइट साइज मतलब कोई चीज़ जो बहुत छोटा साइज में है और उस छोटे साइज के फैक्ट में बेसिकली आप इतना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा कि आप बस उस छोटे से टेक्नोलॉजी में घुस के रह जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, यू विल बी अलोन देन, यू विल बी लोनली देन, डिवॉइड ऑफ पीपल. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ की वजह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो छूट जाएंगी आपसे और यू विल बी रिप्लेस बाय एन आर्किपेलागो ऑफ द लोनली बाइट साइज फैक्ट. यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे स्प्रेडेड है, दैट इज़ वाई यहाँ पे आर्किपेलागो वर्ड का यूज़ किया गया है. ओके, दैट इज़ द मीनिंग फॉर द सेंटेंस हियर. ओके, ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो सिनोनिम मैंने इसका पेनिनसुला लिया है बिकॉज पेनिनसुला भी यही होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड एंटोनिम फॉर द वर्ड इज लैंड. ऑब्वियसली जहाँ पे लैंड एरिया हो, वाटर सराउंडेड ना हो, हम उसको एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड. या शायरा. ओके, सो द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज पैराफर्नेलिया. पैराफर्नेलिया जो वर्ड है हम उसको नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है मिसलेनियस आर्टिकल, स्पेशली द इक्विपमेंट नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. बहुत सारा मिसलेनियस आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं, जो आपको मान लो एक एक्टिविटी आप करने वाले हो, आप कोई गेम खेलने वाले हो, उसके लिए जितने भी आपको आर्टिकल्स चाहिए होते हैं उन सब का जो कलेक्शन होगा उसको हम पैराफर्नेलिया कहते हैं. ठीक है, नाउ विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. इट सेज बाय नाउ द वर्ल्ड ओवर many human lives revolve around fitting between electronic screens, from telephones in hands, computer screens at work, televisions and handheld devices in homes, to say nothing of the similar paraphernalia in the hands of spouses, peers and friends. It simply says, yes, Archana.
इट सिंपली सेज कि बाय नाउ अभी तक अभी बाय नाउ अब तक जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो ह्यूमन लाइव्स है वो रिवॉल्व कर रही है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के बीच में फिट होकर, ठीक है। टेलीफोन उनके हाथ में है, कंप्यूटर स्क्रीन वो वर्क में यूज़ कर रही हैं, टेलीविजन्स वो घर पे यूज़ करते हैं, और जो भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं जो आप घर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका जो अभी ह्यूमन लाइफ है वो इसके राउंड ही राउंड वो घूम रही है, और वो इन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स में उनकी जो लाइफ है वो सीमित हो गई है, ठीक है। टू से नथिंग ऑफ द सिमिलर पैराफर्नालिया इन द हैंड्स ऑफ स्पाउसेस, पियर्स एंड फ्रेंड, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यही सिमिलर आर्टिकल्स आपके स्पाउसेस, पियर्स और फ्रेंड्स के हैंड्स में भी नजर आएंगे। ओके, दैट इज द मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस। आपके जो भाई बहन होंगे, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, इन सब के भी हाथों में आपको वही टेक्नोलॉजी नज़र आएगी जो आज आपके हाथों में, बिकॉज जो वर्ल्ड है अब वो बस और बस इनमें सीमित हो चुका है। बस ये डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। नाउ विल टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज इम्पेडिमेंटा। इम्पेडिमेंटा मीन्स व्हाट? इम्पेडिमेंटा का मतलब होता है इक्विपमेंट जो हम किसी एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ द सिमिलर मीनिंग एज पैराफर्नालिया। एंड एंटोनिम फॉर द वर्ड इज इमूवेबल। बच्चे हमने यहाँ पर मूवेबल वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम पैराफर्नालिया जो वर्ड है ना, हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के सेंस में यूज़ करते हैं कि ऐसी कोई चीज़, मतलब एक जैसी चीज़ जिसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इमूवेबल है, तो हम उसको एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर इमूवेबल को इसका एंटोनिम कंसिडर किया है। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, दीज वर दी वर्ड्स फॉर टुडे। आई होप बच्चे कि आपको सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। अगेन, आप अगर आपको कोई भी वर्ड में डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो ओके फॉर टुडे, थैंक यू एंड टेक केयर।